हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आज मैं आपके लिए एक हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये कोई सूजी का हलवा या बेसन का हलवा नहीं है, यह है वाटरमेलन के छिलके से बना हुआ हलवा। हाँ, आपने सही सुना है, जो वाटरमेलन के हम तो खा लेते हैं, तरबूज का लाल वाला जो पार्ट होता है वो खा लेते हैं और छिलके फेंक देते हैं, बट मैंने उसी का यूज़ करके इसका बहुत ही टेस्टी सा हलवा बनाया है। आप भी ट्राई कीजिएगा, पसंद आएगा, क्योंकि तरबूज हर सीज़न में नहीं मिलता है, इसलिए सीज़न की चीज़ों को यूज़ करना तो बिल्कुल बनता है। तो आप, मैंने इससे पहले एक और वीडियो डाला था जिससे मैंने छिलकों से टूटी फ्रूटी बनाई थी, वो भी बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि छिलके में ना कोई टेस्ट नहीं होता उसका। हम जो वो ग्रीन वाला पार्ट पीछे से हटा लेंगे और वही जो वाइट वाइट सा पार्ट होता है उसी का यूज़ करके मैंने बनाया है। उसमें कोई टेस्ट तो होता नहीं है, हम चाहें तो कोई भी टेस्ट देकर उसकी डिलीशियस सी रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैं नीता शर्मा अपने चैनल हेल्दी लाइफ एंड टेस्टी फूड में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्वियसली तरबूज के छिलके ले लेते हैं। लाल वाला पार्ट तो हम लोग ने खा ही लिया है, अब जो छिलका है उसको अच्छे से हमने पहले ही धो दिया था। जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको हटा देना है, बहुत अच्छे से उसको हटाना है, रिमूव करना है, बिल्कुल भी ग्रीन वाला पार्ट उसमें रहना नहीं चाहिए। तो हम सारे तरबूज के छिलके इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ग्रीन वाला पार्ट है तो मैं उसको हल्का हटा दे रही हूँ इसी तरह से, मतलब ग्रीन वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए क्योंकि उससे टेस्ट हमारा ख़राब हो सकता है। तो देखिए, सारे तरबूज हम इसी तरह से छिलकर तैयार कर लेते हैं। अब आप चाहें तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं कद्दूकस में, इसको आप कद्दूकस कर लीजिएगा, और नहीं तो आप इसको मेरी तरह छोटा छोटा चॉप करके पीस लीजिएगा। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको किस तरह से बनाना चाहें। कद्दूकस करके भी ये जल्दी ही बन जाता है और टेस्टी बनता है, बट मैंने यहाँ पे सबको पीस लिया है। तो चलिए पीस के तैयार कर लेते हैं। और हाँ, पीसते समय बिल्कुल भी पानी मत डालिए, उसमें ऑलरेडी पानी होता है, तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसको हमें ऐसे ही पीस के तैयार कर लेना है। ये देखिए, पीस के तैयार हो चुका है, अब चलिए आगे की प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई ले लेंगे गैस पे, इसमें हम घी डालेंगे। घी थोड़ा ठीक ठाक ही डालिएगा क्योंकि ये घी में अच्छे से पकेगा। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले सूजी। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पे एक टेबल स्पून सूजी ली है। सूजी से इसमें हल्का मतलब दरदरापन आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सूजी ली है। सूजी को हल्का सा भून लेंगे 2-3 सेकेंड, फिर लेंगे बेसन। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ही बेसन लिया है, दोनों 1-1 टेबलस्पून ही लिया है। बेसन क्या करेगा, उसको एक बाइंडिंग देगा ताकि जो उसमें गीलापन है ना वो सूख जाए अच्छे से, तो इसलिए बेसन भी मिलाना बहुत ज़रूरी है। इसको हमें अच्छे से हल्के आंच पे भून लेना है और उसके बाद मिला लेंगे अपना तरबूज वाला प्यूरी और इसको अच्छे से चला लेंगे। बस आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसको चलाते हैं ना, गैस का फ्लेम कभी हाई, कभी मीडियम, कभी टू लो, इस तरह से कर देना, क्योंकि यह ना बहुत उछलता है, उछलता है मतलब टप 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 पटकता है और आपके हाथ में छींटे पड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे हाथ में छींटे पड़ रहे थे, बट मैं बार बार ठंडे पानी में हाथ डाल ले रही थी। तो आप जितना हो सके इसको ढक के पकाइएगा, जब चलाना हो तो गैस का फ्लेम एकदम लो कर दीजिएगा और इसको फिर चलाते रहिएगा, मतलब इसका पानी हमें थोड़ा सुखाना है अच्छे से। देखिए, तो मैं इसको बीच बीच में ढक ले रही थी और इसको फिर बीच बीच में चला के इसी तरह से तैयार कर रही थी। अगर आपको सीधे ओपन में पकाएंगे ना तो ये बहुत आपके हाथ पे मतलब लग सकता है, या तो आप एक काम कर सकते हैं, इसे गहरे बर्तन में बनाइए, जैसे कुकर हो गया, कुकर गहरा होता है तो उससे आपके हाथों में छींटे नहीं पड़ेंगे। अगर आप गहरे बर्तन में इसको बनाएंगे ना तो भी आपके हाथ में छींटे नहीं पड़ेंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, यहाँ पे आप देखिए पानी इसका काफ़ी हद तक सूख चुका है। तो इसमें हम मिला लेंगे चीनी, चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा, मैंने यहाँ पे 4-5 टेबलस्पून के आसपास चीनी मिलाई है, क्योंकि ये जो था ना इसमें हल्का लाल वाला पोर्शन भी था, आपने देखा होगा जब मैं कट कर रही थी तो वो भी मीठा था। बाकी मीठा तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल दीजिएगा, कोई तेज खाता है, कोई नॉर्मल खाता है और कोई बहुत ही कम खाता है, तो मीठा आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 गिलास दूध मिलाया है। अब चीनी मिलाने के बाद थोड़ा चला लिया था, उसके बाद फिर दूध मिला लेंगे। अब दूध मिला के हल्का और लिक्विड फॉर्म में आ गया है, दूध इसको अच्छा टेस्ट देता है। अगर आपके पास एकदम गाढ़ा दूध है तो बहुत ही अच्छा फुल क्रीम दूध जो होता है वो और अच्छा टेस्ट देता है। तो मिला लेंगे, बस फिर वही प्रोसेस हमें करना है। अब हमें इसे अच्छा सा गाढ़ा होने तक पकाना है।
तो बस बीच बीच में हम इसको ढककर चलाते रहेंगे। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा कट करके पहले ही मिला लिया ताकि ड्राई फ्रूट्स में भी अच्छे से फ्लेवर आ जाए। थोड़ा किशमिश भी मैंने मिला ली है यहाँ पे। इसको चला लेंगे। आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का एकदम थिक होने लग रहा है अभी, लेकिन हमें और थिक इसको करना है। तो हम फिर इसको ढककर थोड़ी देर पकाएंगे। अभी ये लिक्विडी फॉर्म में है थोड़ा। तो बस अब ये देखिए गैस का फ्लेम मैंने हाई करके इसको लगातार चला लिया था, इसने पैन छोड़ दिया है, यानी कि हलवा हमारा एकदम तैयार हो चुका है। अब ये थोड़ी देर में ठंडा होने के बाद भी थिक हो जाएगा, तो यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर भी कूट के बीच में मिला दिया था इसी में। तो चलिए इसको हम सर्व करते, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, इस तरह से ये गिर रहा है। देखिए बहुत ही बढ़िया हलवा आपका बन जाएगा। और एक अलग चीज़ भी आपको खाने को मिलेगी कि वाटरमेलन के छिलके से आपने हलवा बनाया है। घर में कोई भी खाएगा तो बहुत तारीफ करेगा। इसको आप गार्निश कर लीजिए और इसको फ्रिज में रख के भी आप इसको ठंडा ठंडा भी खाएंगे ना तो भी ये बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि इसको हमने दोनों तरीके से खाया था। एक तो गरम गरम भी खाया था और बाद में फ्रिज में रख के ठंडा करने पे भी खाया था। तो यहाँ पे आपका बहुत ही बढ़िया वाटरमेलन के छिलके का हलवा बनके तैयार हो चुका है। आप भी ट्राई कीजिएगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना मेरी वीडियो को। और कुछ पूछना है तो बाकी आप मुझे कमेंट करके कमेंट पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर लूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ, कितनी मात्रा में क्या लेना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। तो चलिए ट्राई कीजिएगा रेसिपी। बाय बाय।